हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। वेलकम है मेरे चैनल में ज्योतिस कुकिंग, कुक विद ज्योति। सो आज मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि आप लंच के लिए और डिनर के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है एग करी। जो एग करी बनाने के लिए आप इस जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो मैंने रेडी कर ली है। जैसे हमें ज़रूरत है बॉयल एग की, मैंने एग बॉयल करके रखे हुए हैं और मैंने इसके साथ ही ये कुछ ऑनियन चॉप करे हैं, टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट है और तड़का लगाने के लिए कड़ी पत्ता, साबुत मिर्च है और रिफाइंड ऑयल। तो मैंने पैन हीट कर लिया है, इसको तड़का लगाना शुरू करते हैं। इस एग करी को आप राइस के साथ प्रेफर करें, बहुत ही टेस्टी लगता है वाइट राइस के साथ, या फिर आप चपाती के साथ यूज़ करना चाहें तो चपाती पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, साथ ही मैं डाल दूँगी हींग, इसके साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा ज़ीरा, साबुत मिर्च, कड़ी पत्ता, साथ में डालूंगी बड़ी कटा हुआ ऑनियन। ये मैंने दो बड़े साइज के ऑनियन लिए हैं और मैंने उसको फाइनली चॉप कर लिया। दो ऑनियन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। एग करी काफ़ी तरीके से बनाई जाती है, मैं भी उसको बना रही हूँ और साउथ स्टाइल का लड़के के साथ बना रही हूँ, और ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। इसको मैं बनाऊंगी साथ में पोटैटो के साथ। इस ऑनियन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सी फ्रेंड, प्याज ऑलमोस्ट 80% इसमें फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने रेडी करके रखा हुआ है ऑलरेडी। छोटे बड़े स्पून से मैंने 3 चम्मच डाला है, अगर आप टेबल स्पून देखें तो ये 2 टेबल स्पून है। झटपट बनाने के लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी हमेशा रेडी करके रखती हूँ, तो जब भी हमें ज़रूरत हो हम इंस्टेंटली इसको यूज़ कर लें। और इस तरीके से आपकी जो सब्ज़ी है, जो रेसिपी है, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है अगर आपके पास सामान सब रेडी हो ऑलरेडी। तो ये मैंने इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के आसपास हल्दी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये नीचे से लगे नहीं इसलिए जले नहीं मसाला, इसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इसमें। बस इसको 2 मिनट और भूनेंगे। अब 2 मिनट मैंने अच्छे भून लिया, अब इसी में अपने बाकी मसाले ऐड कर दूंगी। नियर बाय 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, नियर बाय 2.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। वैसे और जैसे ही आप मसाले डालें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें तो मसाले अच्छी तरीके से भून जाएंगे। अदरवाइज मसाले इसमें सारे जैसे मसाले डालें ना तो ये इसमें ड्राइनेस की वजह से ये मसाला सब जल जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, देखें कितने अच्छी तरीके से ये इसमें भून जाएगा। 2 मिनट इसको भून लेंगे। अब मैंने आधा से 1 मिनट इसको भून लिया अच्छे से, ये काफ़ी अच्छी तरीके से भून गया है। अब मैंने 3 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे हैं, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं इसी स्टेज पर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब जैसे ही मैंने इसमें डाला है टमाटर, मैं ऐड कर दूंगी इसमें नमक, नियर बाय 2 टेबल स्पून। अब इसको कवर करके मैं इसको 5 से 7 मिनट टमाटर पकने तक का वेट करूंगी। तो सी फ्रेंड्स, इस लीड को कवर करके मेरे को हो गए हैं 2 से 3 मिनट। अब मैं इसको ओपन करके देखिए, अब टमाटर का पानी काफ़ी अच्छी तरीके से सूख गया है। अब इसी स्टेज पे मैंने जो आलूओं को बॉईल करके रखा था और मैंने इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया है, इस तरीके से कट करके मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगा। एक आलू के जैसे 4 टुकड़े करते हैं, इस तरीके से मैंने इसको कट किया है। इनको इसके साथ मिक्स करके मैं 2 मिनट के लिए और छोड़ दूंगी ताकि ये आलू भी मसालों में अच्छी तरह से कुक हो जाए। वैसे ये मैंने इसको 80% बॉईल किया हुआ है, 80% ही बॉईल किया, बहुत ज़्यादा इसको बॉईल किया है। अब दो मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी और साथ ही मैंने पैन रख के, मैंने यहाँ पे पैन हीट कर दिया है, ऑयल हीट कर दिया है। इसमें मैं अपने ये जो मैंने एग बॉईल करके रखे थे इनको इनके साथ फ्राई कर दूंगी।
ये मैंने इसमें एग डाल दिए हैं। अब इसी स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी। जब आप हल्दी डाल के इसको फ्राई करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं और कलर भी इसका बहुत प्यारा आता है इससे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल के इसको 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे, बस इतना ही इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो सी फ्रेंड्स, इसको भी डाल के मुझे 1 मिनट हो गया और ये इसमें देखिए काफ़ी अच्छा ऑयल रिलीज हो गया। और इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी ताकि ग्रेवी बन जाए इससे अच्छे से। नियर बाय 2 ग्लास ऑफ वाटर मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि आलू है तो ग्रेवी अच्छी खासी थिक हो जाती है इसमें अपने आप से। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए वेट करेंगे, इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, इसको कवर करके इसके बाद अपना नमक वगैरह चेक कर लेंगे। इस अगर कम ज़्यादा हो तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो सी फ्रेंड्स, ये एग भी अच्छे से फ्राई कर दिया मैंने, इसमें एक हल्का सा नाइफ लगा देंगे ताकि जो ग्रेवी का और भी जितने भी फ्लेवर है वो सब इस एग के अंदर भी आ जाए। इस एग को डालने से पहले इसमें एक एक नाइफ लगा के इसको हल्का सा कट दे देंगे। इसको बॉईल होते हुए हो गया है 1 मिनट, इसमें अच्छा बॉईल आ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून। आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए ये बॉईल होगा, उसके बाद हम इसमें एग को ऐड कर देंगे। तो सी फ्रेंड्स, इसको बॉईल होते हुए हो गया है 1 से 1.5 मिनट। अब इसमें अच्छे से बॉईल हो गया, साइड में से ऑयल भी आ गया, ऑयल रिलीज हो गया है। तो अब इस तरीके इसमें से जो मैंने एग ये फ्राई करके रखे थे और इसमें देखिए मैंने इस कट्स लगा दिए हैं नाइफ से, इस तरीके से इसमें कट लगा देने हैं ताकि इसका जो मसाला है सारा फ्लेवर ही अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले। इस तरीके से आप एग करी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। रिकॉर्डिंग के हिसाब से टोटल ये 8 या 9 मिनट में बन के रेडी हो गया है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा धनिया, और गैस को कर दूंगी ऑफ। अब इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसी तरीके से कवर करके मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दिया 5 से 7 मिनट में। इसी में हीट में इसमें सारा फ्लेवर ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके बाद हम कर देंगे इसकी प्लेटिंग, ये सर्विंग के लिए रेडी है। तो सी फ्रेंड्स, ये बनके बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। आप इसे गरम गरम राइस के साथ, वाइट राइस के साथ यूज़ कर सकते हैं, और या फिर अगर आप इसको चपाती के साथ यूज़ करना चाहें, पराठों के साथ यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी ग्रेवी बहुत ही थिक आई है, बहुत ही टेस्ट है इसका, यूनिक टेस्ट होता है थोड़ा आलू के साथ, बॉइल्ड आलू के साथ आप इसको बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।